हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस ने दबिश देकर 5 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों तस्करों के विरुद्ध नशा मुक्त अभियान के तहत सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीआई रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जोधपुरिया गेट के बाहर स्थित शमशान घाट के पास कैलाश दवे के फार्म हाउस पर दबिश दी गई तथा तलाशी के दौरान कैलाश दवे एवं उनका नौकर शाहिद अली पुत्र अलामुद्दीन निवासी मोड बाईपास फतेहपुर सीकर आगरा के कब्जे से 5 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। साथ ही गांजा की छोटी छोटी प्लास्टिक की पुड़िया में बेचने की सामग्री, जिपर लगी प्लास्टिक व बीड़ी नुमा प्लास्टिक रैपर मिले। साथ ही वजन करने का इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान रामेश्वर लाल भाटी, उप निरीक्षक मोहन लाल, मुख्य आरक्षी दीना राम, कांस्टेबल अजय सिंह, बिंजा राम, भूपेंद्र सिंह, गुमान चौहान, सुरेश चालक, दिनेश कुमार आदि उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।